उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष विमला वाथम नोएडा के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान विमला वाथम को अस्पताल में काफी खामियां मिली। उनका कहना है कि मरीजों को लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है, जिससे उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है और इस समस्या को दूर करने के लिए वो अस्पताल के सीएमओ और सीएमएस से बात करने लगी। इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ की सैलरी नहीं मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से बात करके उनको जल्द ही सैलरी दिलवाई। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला वाथम जी आज नोएडा में पहुंची और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रही हैं। मेरे साथ विमला वाथम जी जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, निरीक्षण करने आप यहाँ आए हैं, किस तरीके की खामियाँ मिली हैं? कुछ कमियों की तरफ मुझे ज़्यादा रहा। एक तो लंबी लाइन, जो एक तो यहाँ पीछे हमारी लाइन देख रहे हैं, ये इसमें पहला पर्चा बनता है, बहुत लंबी लाइन है। वहाँ ज़्यादा तो टाइम वेस्ट हो, फिर वहाँ डॉक्टर को एलोकेट करते हैं, कौन सा डॉक्टर देखेगा क्या बीमारी है, तो इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि आधा दिन लगभग पेशेंट का लग जाता है। तो मैं अभी सीएमओ साहब से बात करूँगी कि इसका कोई बाय मीडिया निकालें कि जल्दी हो थोड़ा सा काम। यहाँ पे जो स्टाफ है उनका कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, और पहले ही अथॉरिटी के अंदर में था लेकिन अब शासन के अंदर में आ गया, उसके बावजूद भी जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी उनसे वो वंचित है। ऐसे में आप प्रदेश सरकार से बात करेंगी? सैलरी मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टाफ हो कोई भी हो। आप पूरे महीने इंतजार करते हैं अपनी सैलरी का और ना मिले तो वाकई में बहुत तकलीफ की बात है। अभी मैं सीएमएस और सीएमओ दोनों से मैं बात करूंगी कि इसका कहां हम इसकी रेमेडी क्या है। हाईटेक हॉस्पिटल ये नोएडा शहर है, ऐसे में हॉस्पिटल हाईटेक होना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए ये तो इत्तेफाक से एक बिल्डिंग अच्छी बन गई है, ये नोएडा शहर का सौभाग्य है। अगर मरीजों की देखभाल नहीं कर सब बिल्डिंग है तो वो बेकार है। ये उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष विमला वाथम जी, जिनका कहना है कि अगर कुछ खामियां पाई गई हैं तो जिसको लेके वो स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये सब समस्याओं को रखेंगी और जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करवाने का ये आश्वासन दे रही है। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।